jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की पॉल खुल गई है। यहां एक 8 साल का बच्चा अपने पिता के इलाज के लिए कभी डॉक्टर्स के सामने गड़गड़ाता है तो मीडिया के सामने। पिछले 22 दिन से ऐसा ही चल रहा है। इस बच्चे के पास 9000 रुपए नहीं है, इसीलिए डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं अगर पैसा नहीं दिया तो अस्पताल से बाहर फेंकवा देंगे। इस मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में अपने पिता के इलाज के लिए 8 साल के बच्चे ने डॉक्टर्स से लाखों मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर का एक बार भी दिल नहीं पसीजा। इस मरीज का नाम लालजीत 45 है। उनका 8 साल का बेटा जगमोहन है। मासूम जगमोहन ने बताया वो अपने पिता को 22 दिन पहले जिला अस्पताल लेकर आया था। पिता को गाँव के ही कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से पीट दिया था। इससे उनके शरीर पर काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई थी। पिटाई के दौरान उसके पिता का पैर टूट गया था, साथ ही खून भी ज्यादा बह गया था। पिता को उसने अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने 4 यूनिट ब्लड का इंतजाम करने को कह दिया। पैसे नहीं थे, लेकिन किसी तरह 2 यूनिट ब्लड का इंतजाम किया। बच्चे के मुताबिक डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 9000 रुपए मांग रहे हैं। कहते हैं पहले 2 यूनिट ब्लड का और इंतजाम करो, साथ ही पैसे भी जमा करो, तभी ऑपरेशन होगा। पिछले 15 दिन से वो दर दर भटक चुका था, लेकिन उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा था। तभी वो रोता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचा और खून के लिए भीख मांगने लगा। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने बच्चे का रोता हुआ देख ब्लड बैंक से उसे 2 यूनिट ब्लड दिलाया, लेकिन 9000 रुपए न होने की वजह से पिता का ऑपरेशन करने को डॉक्टर्स ने मना कर दिया। बच्चे ने पैसे देने से इनकार किया तो जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी गौतम ने धमकी तक दे डाली, अगर ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दिए तो उसके पिता को लखनऊ रेफर कर देंगे या फिर अस्पताल के बाहर फेंकवा देंगे। पीड़ित लालजीत ने सीएम योगी से मदद की अपील की है। उनका कहना है सुना था कि जिला अस्पताल में तो गरीब का फ्री में इलाज होता है, इसलिए वो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आया था, लेकिन यहां भी दवा से लेकर ऑपरेशन तक के पैसे देने पड़ रहे हैं। योगी जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा फ्री में इलाज करा दो और जितने भी गरीब मरीज यहाँ हैं, उनका भी इलाज फ्री में करवा दो। लालजीत ने बताया मेरी की गांव में 7 बीघा खेती है। खेत के मेड़ का विवाद गांव के ही दबंगों से हो गया था। 3 बीघा खेत में उसका गन्ना तैयार हो चुका था, जिसकी कीमत करीब 60000 रुपए थी, लेकिन दबंगों ने पुलिस की मिलीभगत से पहले तो मुझे लाठी डंडों से पीटा। उसके बाद खेत में 3 बीघा खेत पर तैयार गन्ना कटवा दिया। गन्ना बेचने के बाद दारोगा ने महज 3900 रुपए मेरे पास भिजवा दिए। जब मैंने मारपीट की तहरीर थाने में दी तो उसकी एक भी नहीं सुनी गई। 22 दिन बीत चुके हैं, दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और हम 22 दिन से जिला अस्पताल में मौत का इंतजार कर रहे हैं।